तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल में आज 16 जनवरी 2020 को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। कोरोना वैक्सीन सुबह 8:30 बजे TMB हॉस्पिटल पहुंची तो सभी डॉक्टरों ने और नर्सिंग स्टाफ ने वैक्सीन का ताली और पुष्प वर्षा से स्वागत किया। टीकाकरण के शुभारंभ के मौके पर TMU के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, GVC श्री मनीष जैन, मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी MGV श्री अक्षत जैन आदि मौजूद रहे। वैक्सीन लगवाने वाले मेडिकल स्टाफ के सभी मेंबर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पहली वैक्सीन का टीका नर्सिंग अधीक्षिका चंद्रकांता वाजपेयी जी को लगाया गया। इस मौके पर TMU कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी ने सभी डॉक्टरों व वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बारंबार धन्यवाद दिया। ये फरवरी से और अब तक तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल लगातार लड़ाई लड़ रहा था कोरोना से। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपर क्लीनिंग स्टाफ लगे हुए थे लगातार, और तब से अब तक आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे डॉक्टर्स के लिए और हमारे स्टाफ के लिए और पूरे देश के लिए, जब भारत में एक नहीं दो दो वैक्सीन अपनी बनी हुई हम लोगों को मिल रही हैं। और ये कोरोना का जो भूत इतने दिन से पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को तंग कर रहा था, अब इसका थोड़ा डर कम होगा। अभी ये केवल हॉस्पिटल स्टाफ को ये लगने जा रही है, लेकिन आम लोगों को भी मिलेगी, बुज़ुर्ग लोगों को भी मिलेगी। और आज जिन लोगों को मिली है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और ख़ासकर सरकार को, अपने वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी जल्दी इंडिया में वैक्सीन को बना लिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ब्राज़ील से भी लोग यहाँ प्लेन से आ गए हैं लेने, और हिंदुस्तान वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है, तो इंडिया इज नंबर वन, और कोविड यहाँ से सबसे पहले भागेगा। थैंक यू। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है हम सब के लिए कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो गया पूरे देश में। और जहाँ तक तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज की बात है, यहाँ पे 14 बूथ बनाए गए हैं और एक बूथ पे 100 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। आज पहले दिन सिर्फ एक ही बूथ पे काम हो रहा है और आज 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। इसकी लिस्ट हमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी को कोई भी ड्रग रिएक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे जूनियर डॉक्टर लोग, एक सीनियर फैकल्टी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में है। जब तक वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा तब तक वो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे। अगर किसी को किसी तरह का भी कोई रिएक्शन होता है जिसकी संभावना बहुत कम है, तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था है कि उसको हम रोक सकें। कोविड वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक नोडल अफसर हैं, उसके साथ साथ सरकार की तरफ से आए हुए नर्सिंग स्टाफ और हमारे यहाँ से डॉक्टर्स हैं। वैक्सीन लगाने से पहले पूरी जाँच की जा रही है, वैक्सीन लगा दे पूरा उनका डाटा एकत्रित करके उनका फॉर्म भर करके तो वैक्सीन लगाई जा रही है, और उसके बाद आधा घंटे के लिए उन्हें जो ऑब्जर्वेशन रूम में उनमें रखा जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम दो बनाए गए हैं जहां पर डॉक्टर्स की तैनाती है और किसी भी आवश्यकता होने पर बेड्स की भी पूरी व्यवस्था है। ये बड़े सौभाग्य का क्षण है क्योंकि हॉस्पिटल का जो ये फ्रंट लाइन स्टाफ है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। हमें कोरोना के वो दिन याद हैं जब भयावह दिनों में और किस प्रकार से गर्मी में किट पहन करके ये लोग अपना काम करते थे, और हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग और डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए हैं। उस खतरे को निपटाने के बाद भी, उस खतरे से निपटते हुए उन्होंने अपनी सेवा चालू रखी। अब इस वैक्सीन के आने के बाद उनका कार्य और सुगम हो जाएगा, वो और सरलता से बिना किसी डर के मरीजों का इलाज कर सकेंगे। इसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों का, देश के प्रधानमंत्री का, जिन माननीय जिन उनके नेतृत्व में आज ये कार्य संपन्न हुआ है, आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है,
तो मैं उनको सबको अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ और जिन लोगों को यहाँ आज वैक्सीन लगने वाली है उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। PMU में जो टीकाकरण हुआ है, वैक्सीन हुआ है कोविड का, सबसे पहले आपको लगा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और दवाई लगने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेडिसिन लगाने के बाद भी अच्छा महसूस कर रही हूँ। लगाने वाली भी जो हमारी नर्सिंग ANM है उन्होंने बहुत अच्छा लगाया और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबको लगवाना चाहिए, इसमें कोई भी डर या कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम कोई कंप्लेंट नहीं। PMU में सबसे पहले वैक्सीन आपको लगी, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैंने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाया। जो लोग आगे वैक्सीन लगाएंगे उनके लिए कोई मैसेज? हाँ बिल्कुल, सब आके बेझिझक अच्छे से वैक्सीन लगवाइए, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत से ये सब तैयार करवाए हैं और सबको हमें उतनी ही लगन से और अच्छे से आके लगवाना चाहिए बेझिझक, कोई भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीन के बाद आपकी तबीयत में कुछ बदलाव किस तरह का फील कर रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम फील हो रहा है जो वैक्सीन लगाने से पहले था। मेरा नाम सतपाल कौर सिद्धू है, मैं यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ PMU हॉस्पिटल में। मेरे को आज वैक्सीन लगा है, वैक्सीन से पहले मुझे थोड़ा सा एप्रिहेंशन थी, लेकिन वैक्सीन लगवाने जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा सब कुछ है, एटमोसफियर इतना अच्छा है, सब लोगों ने इतना इंकरेज किया और बस फिर तो मैंने वैक्सीन लगवा लिया और मैं अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो सिस्टर लगा रही है वो बहुत अच्छे से लगा रही है, बिल्कुल ठीक, सारा पूरा ध्यान रख के और पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही लगा रहे हैं। और हम, मेरी सबसे गुजारिश है कि कोई डरने की बात नहीं है इसमें, वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। ये वैक्सीन बहुत टेस्ट होने के बाद ही, कितनी स्टेजेस से गुजर के ही यहाँ तक पहुँचा है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लगवाएं। एक मिनट।